इंटरनेट का गलत यूज़ करने की जगह उसको सही डायरेक्शन में यूज़ करें तो आदमी सही से अपना रेवेन्यू जनरेट भी करेगा और आगे इसमें ग्रोथ के कोई लिमिट नहीं है। आप जितना मेहनत करोगे आप उतना आगे जा सकते हो। पाखरे थिला स्किल गाँ पिलांक सहित मिसिले एवं सिखिले किभली भावरे यूट्यूब चैनल करा जाए एवं सेइथरे किभली भावरे रोजगार करा जाए आउ धीरे धीरे सेइथि म्यूजिक आल्बम करिकि निजे तैयारी कले घर भितरे एक स्टूडियो देखि परथुबे। आम सहित अछंति अभिषेक वर्मा जिए कि एही स्टूडियो तैयारी करिछंति निजर आउ से जणे गायक मध्य रैपिंग मध्य करंती एवं एठी निजर से जो रही सेटअप तैयारी करिछंती। सबुठारु बड़ कथा हला सीए मध्य से ए तुलसी गाँव रु ही पिलामानंक सहित मिसिकी सीखिछंती। भैया आप जो अभी आपका खुद का एक यूट्यूब का चैनल है और खुद गाना सीख रहे हैं और मतलब खुद बना भी रहे हैं, सब्सक्रिप्शन भी है, मोनेटाइज भी हुआ, ये जो स्किल एनहांस पावर जो है इसको आप कैसे मतलब जो स्किल था उसको कैसे एनहांस करके यूटिलाइज किया? काफ़ी पहले मैं गाने लिखा करता था, तब मेरे को मालूम नहीं था कि एक गाना बनने का प्रोसेस क्या होता है। तो फिर उस टाइम गाना लिखा था, अपने दोस्तों से मिला जो ऑलरेडी यूट्यूब पे काम कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि एक आप गाना जो लिखे हैं उसको लेके हम उस प्रोसेस को कंप्लीट कराते हैं, उस गाने को बनवाते हैं। तब मेरे को पता चला कि एक गाना कैसे बनता है, तो अंदर और ज़्यादा क्यूरियोसिटी आया, मैं और ज़्यादा सीखने को चाह रहा था कि कैसे एक गाना बनता है, जानना चाह रहा था उसको। तो मैंने YouTube पे सर्च किया कि एक गाना कैसे बनता है, वहाँ से मेरे को पता चला कि गाना बनने का प्रोसेस क्या है, सॉफ्टवेयर कौन कौन से यूज़ होते हैं, किस प्रोसेस से एक वीडियो शूट होता है, एडिट कैसे होता है। और उसी टाइम से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करते टाइम ही मैं साथ ही साथ ट्यूटोरियल्स देखा करता था यूट्यूब पर कि एक गाने को कैसे शूट करना है, एक कैसे रिकॉर्ड करना है, वीडियो कैसे शूट करना है, कैसे एडिट होगा, उसका प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन कैसे होता है, वो सारा चीज़। तो उसी टाइम से करते जा रहा था YouTube पे मैं काम। और जब मेरा एक ट्रैक था जो गली के टूरा छत्तीसगढ़ ही में था, तो उसके वायरल होने के बाद मेरे को थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आया कि मेरे को इस चीज़ को परस्यू करना चाहिए आगे। तो मैं कंटिन्यू करता रहा अपने YouTube के जर्नी को, और तब से मैं अभी भी गाने बना रहा हूँ और डिस्ट्रीब्यूट भी करता हूँ। तब फिर पता चला कि गाने और भी प्लेटफॉर्म में रिलीज़ होते हैं, जैसे स्पॉटिफाई हो गया, जियो सावन हो गया, एप्पल म्यूज़िक हो गया, तो वहाँ सारे जगह भी अपने गाने को डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। और कई बार मेरे फ्रेंड्स पूछते हैं कि आप कैसे करते हो, और कुछ अननोन लोग भी जानना चाहते हैं कि आप यूट्यूब क्यों कर रहे हो, क्या इसमें आगे करियर है। तो उन सबको मैं यूथ को यही बोलना चाहूँगा कि यूट्यूब, आप सिर्फ यूट्यूब को सीरियस ले के लिए अगर अपना काम छोड़ दे रहे हो तो वैसा नहीं करना है। लेकिन हाँ, अगर यूट्यूब को साइड बाई साइड आप कर रहे हो और आपको जब लगता है कि मैं इससे इनकम जनरेट कर रहा हूँ, तो आप फुल टाइम यूट्यूब को परस्यू कर सकते हो, आप इससे इनकम जनरेट कर सकते हो। और इसमें काफ़ी, जैसे अब तो ऑनलाइन वर्क हो गया, फ्रीलांसिंग हो गया, तो यूट्यूब को करते करते मैं एक जो यूट्यूबर हो, चाहे वो आर्टिस्ट हो चाहे एक्टर हो, साथ में एक स्किल डेवलप करता है अपने अंदर। जैसे अगर कोई कॉमेडी वीडियोस बना रहा है तो वो एक्टिंग का स्किल डेवलप करता है, स्क्रिप्टिंग का, शूट का, तो सारे चीज़ें साथ ही साथ एक नए नए स्किल्स सीखते जाता है जिसको मोनेटाइज कर सकता है, अपने आर्ट को अपने कला को यूज़ करके वो रेवेन्यू जनरेट कर सकता है और यूट्यूब मोनेटाइजेशन से भी पैसा कमा सकता है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि इंटरनेट का गलत यूज़ करने की जगह उसको सही डायरेक्शन में यूज़ करें तो आदमी सही से अपना रेवेन्यू जनरेट भी करेगा और आगे इसमें ग्रोथ के कोई लिमिट नहीं है। आप जितना मेहनत करोगे आप उतना आगे जा सकते हो। स्किल तो एक ऐसा चीज़ है जो लाइफ लर्निंग वाला काम है, मतलब स्किल पे हमेशा इंसान को काम करते ही रहना चाहिए। उसमें ना एज मैटर करता है और ना ही सोर्स मैटर करते हैं। अगर आप सीखना चाहेंगे तो आप कहीं से भी सीख सकते हैं, और इंटरनेट के कारण तो सारे चीज़ों को सीखना बहुत ईजी भी हो गया है। तो अगर आप अपने स्किल पर वर्क करते हैं तो स्किल से पैसा कमाना तो और अच्छा है। जिस चीज़ पर आपको इंटरेस्ट है उस स्किल पर काम कीजिए और उसको उससे रेवेन्यू जनरेट करिए। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लागिला तेबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।